Johnny, and I've got the two OGs from the game right here standing with me. Ghatak is prepared, like, and of course my man SID from Soul. मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा SID, Soul का performance जो हम Soul को चाहते हैं, it has not come to that level. So what's really not clicking right now? I mean, जो पहले वाले इसके इवेंट हम लोग जीते थे वहाँ पे लॉबी थोड़ी इजी थी. ये वाली लॉबी थोड़ी हार्ड है, इसके लिए हम लोग सेकंड आ गए. बट वी आर एमिंग फॉर द ट्रॉफी एनीवे, सो ट्रॉफी मेरे बाजू में भी है. तो लेट्स सी, लॉट्स ऑफ मोर डेज टू गो. सो now what SID is saying essentially is the trophy मेरे बाजू है, मतलब Soul के बाजू में भी है. On that very note, घातक godlike का performance fan favorite जो चाहते हैं देखना, वो उस level पर अभी तक perform नहीं कर पाए हैं. So what's that one thing that is the lacking point here? लैकिंग पॉइंट तो कुछ बोल नहीं सकते अभी. अरे यार बैंटर कर रहा हो यार, ये तो व्यूज पूछ रहे थे. थोड़ा एक टाइम लगेगा सिनर्जी बिल्ड करने के लिए. 22 दिन का इवेंट है. वो लाला खेल रहा है आज, तो होपफुली आज वो लाला इज बैक गाइस, टीम का एकदम प्रॉपर्ली कमबैक हो जाए. एकदम माइंडसेट भी अच्छा है. थोड़ी छोटी-मोटी गलतियां हो रही थी. आपने अगर सारे मैचेस प्रॉपर्ली फॉलो किए होंगे तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि 4v4 फाइट्स अच्छे से निकाल रहे हैं. बट थोड़ा सा वही है कि एक नई टीम है, थोड़ा सा एक सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन ढंग से बैठ जाएगा तो मजा आएगा आगे के मैचेस देखने के लिए. एंड यस, देखते हैं अभी ये ट्रॉफी कौन जीतता है. वेल यू यार, मजा आएगा से. तो मेरे को जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर आप दोनों, यू हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री गोइंग बैक. सो वन थिंग आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो इज व्हाट यू अप्रिशिएट अबाउट द मैन. अरे यार तुम तारीफें मत पूछो बे. ओह ओके, I think I appreciate the fact that, you know, he holds the team together. He's been holding the team together for a long time. The team hasn't been performing well. Even then, there are not a lot of roster changes. So I think that is something I appreciate. Well, there you have it. घातक, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा SID के बारे में, आपका जो सबसे ज़्यादा appreciation point है, what is that one thing? Appreciation point अगर SID के बारे में बोलूँगा तो उसका talking skills, जो उसका मतलब जैसे वो बात करता है. बाकी वैसे नहीं, मतलब कुछ पता नहीं. You know, shots fired all the time while the interviews are happening right here. But it's time we take a shot. OGs from the game right here standing with me. मैं सबसे पहले आपसे कॉल पे बात कर रहा था. Soul का परफॉर्मेंस जो हम Soul को जानते हैं, it has not come up to that level. So what's really not clicking right now? I mean, आज भी कुछ होने वाला है क्या? पहले वाले इसके इवेंट हम लोग जीते थे वहाँ पे लॉबी चॉकलेट देने गए. एक लॉबी थोड़ी हार्ड है, इसके लिए हम लोग सेकंड आ गए. अरे भाई, एमिंग फॉर द ट्रॉफी एनीवे, सो अरे बाप रे, बाजू में भी है. तो लेट्स सी, लॉट्स ऑफ मोर डेज टू गो. सो now what SID is saying essentially is the trophy मेरे बाजू में, मतलब Soul के बाजू में. भाई गलत बोला नहीं है. तो घातक godlike का परफॉर्मेंस फैन फेवरेट्स जो चाहते हैं देखना, वो इस लेवल पर अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए. अरे उसने क्या बोला है, कैसे नहीं हंसेंगे आप? सुन ही नहीं रहे, मतलब फिर हम ही सुन रहे हैं. चांद भाई, नया एडिशन हुआ है हमारे टीम में शैडो का. एंड थोड़ा एक टाइम लगेगा सिनर्जी बिल्ड करने के लिए. 22 दिन का इवेंट है, 22 दिन का LAN है. तो होपफुली आज वो दिन हो जहाँ पे हमारी टीम का एकदम प्रॉपर्ली कमबैक हो जाए. एकदम माइंडसेट भी अच्छा है. थोड़ी छोटी-मोटी गलतियाँ हो रही थी. आपने अगर सारे मैचेस प्रॉपर्ली फॉलो किए होंगे तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि 4v4 फाइट्स अच्छे से निकाल रहे हैं. बट थोड़ा सा वही है कि एक नई टीम है, थोड़ा सा एक सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन ढंग से बैठ जाएगा ना तो मज़ा आएगा आगे के मैचेस देखने के लिए. एंड यस, देखते हैं अभी ये ट्रॉफी कौन जीतता है. वेल यू हर्ड इट, और मज़ा आएगा से. तो मेरे को एक जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर आप दोनों, यू हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री गोइंग बैक. सो वन थिंग आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो इज व्हाट यू अप्रिशिएट अबाउट द मैन स्टैंडिंग ऑन माय लेफ्ट मोस्ट, SID. ओके, आई थिंक आई अप्रिशिएट द फैक्ट दैट, यू नो, ही होल्ड्स द टीम टुगेदर. ही हैज बीन होल्डिंग द टीम टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम. द टीम हैजंट बीन परफॉर्मिंग वेल. इवन देन देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ रोस्टर चेंजेस. सो आई थिंक दैट इज समथिंग आई अप्रिशिएट. Well, there you have it. घातक, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा SID के बारे में, आपका जो सबसे ज़्यादा appreciation point है, what is that one thing? Appreciation point अगर SID के बारे में बोलूँगा तो उसका talking skills, जो उसका मतलब जैसे वो बात करता है. बाकी वैसे नहीं, मतलब कुछ पता नहीं है. You know, fired all the time while the interviews are happening right here. But it's time we take a short break. And on the other side, मौजूद है टीम Soul के मैनेजर SID. तो चलिए देखते हैं कि स्टेज पे इस वक्त क्या क्लच गार्ड आ गया. क्लच गार्ड खेल रहा है क्या? Thank you so much, Johnny. And as he rightly said, I've got with me Ghatak from Godlike and of course my man Sid from Soul. मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा Sid, Soul का performance जो हम Soul को जानते हैं, it has not come up to that level. So what's really not clicking right now? I mean, जो पहले वाले इसके event हम लोग जीते थे वहाँ पे lobby थोड़ी easy थी, ये वाली lobby थोड़ी hard है, इसके लिए हम लोग second आ गए. But we are aiming for the trophy anyway, so trophy मेरे बाजू में भी है. So let's see, lots of more days to go. So what Sid is saying essentially is the trophy मेरे बाजू में है, मतलब Soul के बाजू में भी है. On that very note, घातक Godlike performance fan favorites जो चाहते हैं देखना, वो उस level पर अभी तक perform नहीं कर पाए हैं. So what's that one thing that is the lacking point here? लैकिंग पॉइंट तो कुछ बोल नहीं सकते. अभी नया एडिशन हुआ है हमारे टीम में शैडो का, एंड थोड़ा टाइम लगेगा सिनर्जी बिल्ड करने के लिए. 22 दिन का इवेंट है, 22 दिन का लैन है, तो होपफुली आज वो दिन हो जहाँ पे हमारी टीम का एकदम प्रॉपरली कमबैक हो जाए. एकदम माइंडसेट भी अच्छा है, थोड़ी छोटी मोटी गलतियाँ हो रही थी. आपने अगर सारे मैचेस प्रॉपरली फॉलो किए होंगे तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि 4v4 फाइट्स अच्छे से निकाल रहे हैं, बट थोड़ा सा वही है कि एक नई टीम है, थोड़ा सा एक सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन ढंग से बैठ जाएगा ना तो मज़ा आएगा आगे के मैचेस देखने के लिए. एंड यस, देखते हैं अभी ये ट्रॉफी कौन जीतता है. वेल यू हर्ड इट, और मज़ा आएगा से. तो मेरे को एक जो क्वेश्चन ये है कि सर आप दोनों यू हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री गोइंग बैक, आग लगाना चाह रही है. आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो इज व्हाट यू अप्रिशिएट अबाउट द मैन स्टैंडिंग ऑन माय लेफ्ट मोस्ट सिड. ओह ओके, सिड वाज ओह ट्रैश टॉक से द फैक्ट दैट यू नो ही होल्ड्स द टीम टुगेदर. ही हैज बीन होल्डिंग द टीम टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम. द टीम हैजंट बीन परफॉर्मिंग वेल. Even then, there are not a lot of roster changes, so I think that is something I appreciate. Sid भाई बोल रहे रिवर्स सुनो ये तो. घातक मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा Sid के बारे में, आपका जो सबसे ज़्यादा appreciation point है, what is that one thing? Appreciation point अगर Sid के बारे में बोलूँगा तो उसका talking skills, जो उसका मतलब जैसे वो बात करता है, बाकी वैसे नहीं, मतलब कुछ पता नहीं. You know, shots fired all the time while the interviews are happening right here. But it's time we take a short break, and on the other side of the break, live action resumes. Do not go anywhere. This is Star Sports 2 BGMI Masters Series. Out of syllabus आ गया बे. ये भाई तो paper prepare कुछ और करके आया था बे. मतलब full savage.